एक और बंगाली की नई डिजाइन के साथ मैं मुकेश हलवाई, और आपका स्वागत है मुकेश यादव कुकिंग में। ये देखिए हमारा कितना बंगाली में लुक आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रीम तो मैंने आपको पहले से ही बताया ऑलरेडी तैयार है। अगर क्रीम बनाना फिर भी अगर आपको नहीं आता, आपने ये वीडियो नहीं देखा, तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे बंगाली की क्रीम कैसे बनाएं, और आई कार्ड को बटन भी दे देंगे। अगर आपको पीस बनाना नहीं आता है तो उसका भी हमने वीडियो डाल रखा है। देखिए इसी तरह से आपको चाकू से 5 लाइन करना है, 5 बार। ये देखिए बहुत ही अच्छा, साइड में से हल्की सी चाकू मार दें दोनों तरफ, 2-3 पीस हम आपको बता के दिखाएंगे। इसी तरह से आपको लगाना है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है बिना किसी निपल के। और बंगाली के हमने बहुत सारे वीडियो डाले, बंगाली सजाने के भी बहुत सारे वीडियो हैं, पकाने के भी बहुत सारे वीडियो हैं, छेना टोस्ट, छेना रोल, रस मलाई, मलाई चमचम, बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, राजभोग। बंगाली सजाना मेन बात है फिनिशिंग। क्रीम में जितनी फिनिशिंग सफाई आएगी उतना ही बंगाली आपकी अच्छी लगेगी। ये देखिए इसी तरह से हमें सारे अपने पीस तैयार कर लेना है। और इसको हम कटोरी में लगा के हमने चौकी में रख दिया है। इसके बाद हम आगे केसर कलर का टीका लगाएंगे, तो बहुत ही अच्छा इस पर शो आएगा। ये है आपको डेकोरेशन के लिए मिल जाते ये ब्लू कलर के दाना है, जो मार्केट में आपको कहीं से भी मिल जाता है, जो डेकोरेशन की दुकान रहती है ना मिठाई की, उसी दुकान पे मिलेगा। तो इससे बहुत ही अच्छा बंगाली में लुक आ जाएगा। और ये चॉकलेट चोको चिप्स है, तो हम एक एक इस पे रख देंगे। ये देखिए हमारी बंगाली बनके तैयार है, कितनी अच्छी लग रहा है, प्यारी डिश लग रही है, और ये खाने में भी लाजवाब है। और क्रीम में आप कोई सा भी सेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें।